आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस की सरकारें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, एमपी में कमलनाथ राम की राह पर तो राजस्थान में गहलोत को जागा कॉर्पोरेट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का पहला बजट, सरकार का फोकस किसान और आम लोगों। बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब, हमारे सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के लांजी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक महिला समेत दो नक्सली ढेर। और बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर वार, कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं अपराधी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई नजर आई हैं। लोकसभा चुनाव के झटके ने दोनों सरकारों को राम और गाय की याद दिला दी है। हालांकि इनके बजट की अधिकांश बातें पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों वाली ही हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश को आवारा पशुओं से मुक्त बनाने के लिए नंदी गाय आश्रम बनाने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौशाला के साथ राम वन गमन पथ विकसित करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये बातें पूर्व की बीजेपी सरकारों के बजट में भी आ चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा बजट 2019-20 पेश किया। इसमें उन्होंने नंदी गाय आश्रयों की स्थापना करने की घोषणा की। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के वित्त मंत्री तरुण भानोट ने बजट पेश किया तो उसमें गौशाला बनवाने के साथ साथ राम वन गमन पथ को विकसित करने की घोषणा की। अब बात मध्य प्रदेश की। वित्त मंत्री तरुण भानोट ने विधानसभा में वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया। बजट में राजकोषीय घाटा 3.34% रहने की उम्मीद जताई। बजट में सबसे ज्यादा कृषि विकास के लिए 66% की वृद्धि की गई। राजस्व कर में पिछली सरकार की तुलना में लगभग 23.69% की वृद्धि अनुमानित की गई है। हालांकि बजट में टैक्स नहीं बढ़ाया गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने इस वर्ष कम बजट दिया है, इस बजट में नया कहने जैसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री तरुण भानोट ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि बजट में किसान, युवा, गरीब सबका ख्याल रखा गया है। बजट में विनियोग राशि में 20% की वृद्धि के साथ किसान कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी 66% वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जहां सरकार ने 46,500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, वहीं किसान ऋण माफी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तरुण भानोट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2,700 करोड़ रुपए कम दिए। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। गौशालाओं के निर्माण के लिए 3-फेज मॉडल का प्रावधान किया गया है। बजट में पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि भी बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 1,000 करोड़ रुपए बैंक को देने की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार का पहला बजट आ चुका है। हमारे साथ तरुण भानोट वित्त मंत्री मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, कृषि को लेकर ज्यादा महत्व दिया गया है। जरूर, किसान तो हमारी ताकत है। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो 70% कृषि पर आधारित है। हमारा किसान मजबूत होगा, उसके खेत में अगर फसल लहलाएगी और वो फसल जब कट कर जाएगी और उसके पास पैसा आएगा तो जो हमारे छोटे छोटे कस्बों के बाजार हैं वो भी गुलजार होंगे। सरकारी बैंकों की हालत खराब है, उसके बाद भी 700 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों से आप कृषि विभाग को देने की बात कर रहे हैं। सरकारी बैंक, सहकारी जो बैंक, सहकारी बैंक, हम तो उल्टा सहकारी बैंकों को पैसा दे रहे हैं। हमने 1,000 करोड़ का प्रावधान पहले किया था और इस बार भी बजट में 1,000 करोड़ रुपया हम सहकारी बैंकों को और देने जा रहे हैं। हम तो सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, सहकारिता को मजबूत कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री तरुण भानोट, जिनका कहना है कि कृषि को ज़्यादा महत्व देना जरूरी है क्योंकि कृषि से ही सब पेट चलता है। उसके बाद जो बैंक है, बैंकों को 1,000 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। सहकारी बैंकों की हालत खराब बताई गई थी, उसके बाद बैंकों को पिछले महीने 1,000 करोड़ रुपए दिया गया था और इस महीने भी 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके बाद देखना यह होगा कि ये विपक्ष इसको किस तरह से लेता है।
कैमरामैन तरुण यादव सर सत्यम शर्मा दखल न्यूज भोपाल। विधानसभा में पेश किए गए बजट में विभिन्न योजनाओं को शुरू करने की बात कही गई। तरुण भनोट ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 32% बढ़ाया गया है। युवा स्वाभिमान योजना से युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग किया जाएगा। किसानों के लिए किसान परिषद की गठन की बात बजट के दौरान की गई। तरुण भनोट ने बताया कि उद्योगों के जरिए युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कमलनाथ सरकार का यह बेहतरीन बजट बताते हुए कहा कि बजट में नई सड़कों का निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में सहायता मिलेगी, ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा के साथ साथ अन्य कार्य किए जाएंगे। बजट में कृषि के साथ साथ मछली पालन और उद्यानिकी के क्षेत्र में विकास होगा। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कमलनाथ सरकार में पहला बजट पेश हो चुका है, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सर, बजट पेश हुआ है, कृषि को लेकर ज्यादा महत्व दिया गया है। हम समझते हैं कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और कृषि नहीं, कृषि का तो ख्याल रखा ही गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी विशेष ख्याल रखा गया है, तो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए सड़क, बिजली, पानी, इन बातों का भी ध्यान रखा गया है। नौजवानों को 70% रोजगार देने का, और मध्य प्रदेश में जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं जो अपने खुद रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, और वो जो लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मार्केटिंग का अवेलेबल कराया गया है। हम समझते हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पंचायत और ग्रामीण विभाग को 17,000 करोड़ के लगभग दिया गया है, उसमें क्या प्रावधान है, आप क्या क्या? उसमें नदी पुनर्जीवन का भी है, हमारा जल संरक्षण के साथ साथ जो आजीविका मिशन की बहनें हैं उनको भी स्वावलंबी बनाने का है, सड़क का है, हमारी जो चाहे वो पंचायत की सड़कें हों, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। और हम समझते हैं कि एक तरफ जहां हमारी अधोसंरचना भी विकसित होगी, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का विकास भी होगा, और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मिल सकेगी। कमलनाथ सरकार ने बहुत बार बोला है कि केंद्र से जो बजट आ रहा है वो बजट कम आ रहा है, तो क्या आप इसमें जैसे 21,000 करोड़ की बजट कम आने की उम्मीद बताई गई? देखिए, 2700 करोड़ रुपए तो बजट में कटौती हुई है, मध्य प्रदेश में इतना बजट कम किया। उसके अलावा भी पहले जो हमारी सरकारें थी उसमें हमारा 10% या 20% का राज्यांश शामिल होता था, बाकी केंद्रांश होता था, पर पिछली सरकार जो वर्तमान में मोदी सरकार है, इन्होंने 40% कर दिया सभी विभागों में, और हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रदेश के साथ ज्यादती है, इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, और राज्यांश का जो पहले जो हिस्सा था, जिस तरह की पहले व्यवस्था थी उसी को लागू करना। आप मानते हैं कि ये सबके लिए बजट, आम बजट, ये सबके लिए है? आप देखिए, हमारा स्टाम्प शुल्क भी कम किया है 20%, और सबको मौका दिया, महिलाओं के सम्मान के लिए भी किया, सभी वर्ग को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, जिनका बोलना है कि ये बजट जो था सबके लिए बजट था, चाहे किसान के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे आम आदमी के लिए हो, महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा बजट का प्रावधान किया गया है। कैमरामैन तरुण यादव साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। जहां एक तरफ कांग्रेस ने सरकार के बजट को प्रदेश में सभी क्षेत्रों के विकास का बजट बताया, वहीं बीजेपी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की कथनी और गहनी में फर्क है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात नहीं की गई, बजट निराशाजनक बताते हुए पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा पेट्रोल के दाम ना बढ़ने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। देखिए, सरकार पूरी तरह से इस बजट में एक्सपोज हो गई है, उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने फ्लैगशिप योजना के तहत कहा था कि हम किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, किसान के कर्ज माफ़ी के लिए व्यापक दृष्टिकोण नहीं दिखाया, युवा के रोजगार को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई। आपने कहा था कि हम विकास करेंगे, विकास का कोई बात नहीं। गौ संरक्षण की बात है तो गौ संरक्षण इस देश में बात जब सफल होगा, जब गांव की इकोनॉमी को हम उससे जोड़ेंगे। आपने तो उद्योगपतियों को जोड़ने की बात कर दी, पूरा बजट निराशाजनक है। देखिए, कई सालों बाद एक ऐसा बजट आया जिसमें मध्य प्रदेश का नौजवान युवा स्वाभिमान की बात कर सकता है। कई सालों बाद बजट आया कि किसान अपने कर्जे माफी की बात सुन सकता है। कई सालों बाद बजट आया है कि महिलाओं के जो नकली चांदी, नकली बर्तन सरकारें देती थी, आज नगद पैसा महिलाओं को मिल रहा है। गरीब का जो पेंशन मिला करती थी उसको बढ़ाने का बजट आया। कई साल बाद उम्मीदों का बजट आया। कई साल बाद इस प्रदेश का नौजवान सोच सकता है कि मध्य प्रदेश का नौजवान देश के नौजवान के साथ कैसे खड़ा होगा। ये बजट उम्मीदों का बजट।
बजट पर अपना जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है कि क्योंकि हम विकास को तेजी से आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए निवेश पर जोर दिया जा रहा है, देश में निवेश के लिए माकूल माहौल तैयार किया गया। संसद में कर्नाटक के मसले पर कुछ गतिरोध भी हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक हर घर को जल मुहैया कराने जा रही है, साथ ही जल शक्ति अभियान के तहत जिलों को चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रम सुधार के लिए भी लगातार काम हो रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब यूपीए मनरेगा लेकर आई थी तब सीएजी ने भी उसकी आलोचना की थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन जिस तरीके से हो रहा है वह तारीफ के लायक है। यूपीए ने गलत नीतियों और गलत आंकड़ों का सहारा लिया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद महंगाई कम हुई है, खाद्य महंगाई दर कम हुई, यही वजह रही कि जनता ने विपक्षी दलों को नकार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में कृषि उत्पादन में काफी इजाफा हुआ है, साथ ही फल सब्जियों और दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आय ही नहीं बल्कि 2022 तक कृषि निर्यात भी दोगुना किया जाएगा। 298 crores more than the actual of 2017-18. So I would want to emphasize that 2 years after the GST implementation, when even as we present this budget, we are very clearly saying that under the central sponsored schemes, the amount which is being spread is far higher than what it was earlier. Then the budget 2019-20 reflects the government's commitment, and I'm happy to say that it reflects the commitments of this government to substantially boost investment in agriculture, substantially boost investment in social sector, particularly in education and in health, keeping the fiscal deficit at 3.3% of GDP as against the 3.4% which was envisaged in the interim budget. In the BE 2019-20, government is committed to continue the path of fiscal consolidation. Let me reassure this house that we are committed to continue the path of fiscal consolidation without compromising on the requirements of public expenditure placed by the various sectors. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि देश के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए सरकार ने काफी काम किया है और इस क्षेत्र में 100 लाख करोड़ निवेश होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम देश में FDI को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू उद्योगों को मजबूती देकर रोजगार बढ़ाया जा रहा है और घरेलू निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा है, साथ में हम किसानों के लिए PM किसान योजना लेकर आए हैं। कांग्रेस के सांसदों ने वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान सदन में उनके बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने खुद को टीचर कहा था। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर कुछ गलत होगा तो उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दबाव बढ़ने के बाद नक्सली मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। लांजी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। इनमें से एक महिला नक्सली भी है। मध्य प्रदेश को छोड़ चुके नक्सलवादी एक बार फिर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में दबाव बढ़ने के साथ इनका मूवमेंट MP में हो गया है। बालाघाट SP अभिषेक तिवारी को मुखबिर से खबर लगी थी कि बारिश के दौरान कुछ नक्सलवादी देवरवेली इलाके में कैंप कर रहे हैं और बारिश रुकते ही यह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। खबर कंफर्म होते ही पुलिस ने लांजी थाना इलाके के देवरवेली चौकी क्षेत्र के पुजारी टोला इलाके में दबिश दी तो नक्सलियों ने भी फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल हैं। पुरुष नक्सली का नाम मंगेश बताया जा रहा है। इन दोनों पर ही पुलिस ने इनाम रखा था। पुलिस की नक्सलियों से देर रात मुठभेड़ हुई। तेलंगाना के चेरला से नक्सलियों ने एक TRS नेता नेल्लूर श्रीनिवासलू का अपहरण कर लिया है। खबर है कि तेलंगाना से इस नेता को नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा के जंगलों में ले गए हैं। इनके घर से हथियारों के दम पर इनका अपहरण किया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर काम कर रही है। केरला में TRS नेता नेल्लूर श्रीनिवासलू रात के समय अपने घर पर सो रहे थे,
तभी 10 से 15 लोग उनके घर में घुसे। ये सभी हथियारबंद थे और नक्सलवादी लग रहे थे। इन लोगों ने हथियार की नोक पर टीआरएस नेता का अपहरण किया। इस दौरान इनकी पत्नी दुर्गा और बेटे ने इसका विरोध किया तो अपहरणकर्ताओं ने इनकी पिटाई की और इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस भी इसे नक्सलियों से जोड़कर ही इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि नक्सली इस नेता को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में कहीं रखे हुए हैं। सुकमा जिले की सीमा आंध्रा और तेलंगाना से लगी हुई है। मेरा नाम गंगा है, मेरे पति का नाम नेल्लूर श्रीनिवासलू है। मैं और मेरे पति बेडरूम में सोए थे। रात को लगभग 10:30 पे 10 से 15 लोग घर में घुसकर मेरे पति को खींचकर ले गए। मैंने पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो नहीं बताए। उन लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को मारकर हमें रूम में बंद कर दिया। उन लोगों में से 3 के पास वेपन थे। मैंने पूछा कि आप लोग मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो, तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने हमेशा ही लोगों की मदद की है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। जो लोग मेरे पति को लेकर गए हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग पता कर लो कि मेरे पति कैसे हैं। मेरे पति सभी की मदद करते हैं और मेरे पति को छोड़ दें। बीजेपी के तेज तर्रार विधायक कमल पटेल के निशाने पर कांग्रेस सरकार है। कमल पटेल ने कहा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपराधी कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं और अपराध रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी विधायक कमल पटेल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस शासन में अपराधी कुकुरमुत्तों की तरह लगातार बढ़ रहे हैं। तबादला उद्योग का सिंडिकेट सा चल रहा है। कमल पटेल ने विधानसभा में भी अपराधों को लेकर सवाल पूछा तो उसमें भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। कमल पटेल ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार का ध्यान सिर्फ तबादलों पर है, बाकी प्रदेश में क्या हो रहा है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। विधानसभा में प्रश्न था कि 6 के अंदर कितनी हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण और अपहरण करके फिरौती करके हत्या और बलात्कार और नाबालिग कितना बलात्कार हुआ, तो 1000 से अधिक तो हत्याएं हो चुकी है। फिरौती करके अपहरण करके 110 की हत्या कर दी है। 5455 जो लूट के प्रकरण हो गए हैं, डकैत पूरी तरह से भाजपा सरकार ने खत्म कर दिए थे, वापस जिंदे हो गए। यानी ये कहे कि कांग्रेस के राज में कुकुरमुत्ते की तरह अपराध बढ़ गए और अपराधी बढ़ गए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर वर्गी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक गर्भवती महिला अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में 1 दर्द से तड़पती रही, लेकिन महिला को इलाज करने के लिए कोई चिकित्सक या नर्स नहीं आया। परिजनों की बार बार शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। बरगी विधानसभा के भड़की में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर शेखर वर्मन अपनी पत्नी किरण वर्मन को प्रसव करवाने के लिए भड़की अस्पताल लाए, लेकिन अस्पताल में ताला लगा था और नर्स से लेकर डॉक्टर तक सब नदारद थे। कोई नहीं मिलने के कारण प्रसूता 1 दर्द से तड़पती रही।
जब घंटों इंतजार करने के बाद कोई नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों की सलाह पर प्रसूता को चरगवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां महिला ने एक लड़की को जन्म दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भिड़की स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन कर्मचारी नदारद रहते हैं। इस घटना के बाद आनन फानन में पहुंचे एक कर्मचारी ने बताया कि नर्स मीना पासी की ड्यूटी है और वह ताला लगा कर कहीं चली गई है। सर अपने टाइम से मेरी ड्यूटी 8 बजे से, मैं अपने टाइम से आ गई हूँ और वैसे भी यहाँ स्टाफ नहीं है। 2 सिस्टर लोग हैं, एक दिन कर रही है, एक नाइट कर रही है, और बाकी कोई स्टाफ है नहीं, ना कोई भेजते हैं स्टाफ। बताइए, हम लोग 24/7 8 घंटे के बजाय 24/7 48 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कई दिनों से लापरवाही चलते हुए देख रहे हैं, आज भी वही स्थिति हुई है कि इधर पर ताला डला हुआ था, ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर, ना कोई स्वीपर, जो भी रहते कोई कर्मचारी नहीं पाया हुआ। ग्रामवासियों ने हमको सूचित किया कि इधर पे कोई मरीज आया डिलीवरी पीरियड वाला, तो उस बिल्कुल तड़प रहा था, तो हमने तुरंत उसको रेफर करवाया चरगाँव के लिए, और तुरंत विधायक जी को जानकारी दी कि विधायक जी ने फिर उधर ऊपर कार्रवाई की कि इधर पे तुरंत पे फिर वो एक तिवारी जी करके आए हैं, उनने अभी एक ताला खोला है और बहुत परेशानी जा रही है। कम से कम 2 महीने से बहुत दिक्कत जा रही है, कोई डॉक्टर है ही नहीं है, ना नर्स है प्रेजेंट पे। एक मरीज के लिए डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन इसी प्रकार की घटनाएं डॉक्टर्स का सम्मान कम कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। कथित तौर पर बड़े लोगों की गुंडई का शिकार कुछ दलित परिवारों को होना पड़ रहा है। दलित पक्ष के लोगों का कहना है कि बड़े लोगों ने उनकी बस्ती में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। मामला MP के गाडरवारा का है। प्रशासन इस मामले में जांच की बात कह रही है और मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। गाडरवारा के चीचली में अंबेडकर वार्ड में करीब 100 घरों की दलित बस्ती का रास्ता वहां के कथित लोगों ने रोक दिया है। इससे दलित परिवार दहशत में है। बस्ती के लोगों को घर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के ही एक बड़े परिवार ने बस्ती जाने का रास्ता रोक रखा है। बस्ती के लोग अब इंसाफ के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। रास्ता मिलना चाहिए भैया, नहीं दे रहा है, रास्ता नहीं मिले। रास्ते पे बाउंड्री वॉल बना दी है, रास्ता नहीं मिल रहा है, लगाने के तो निकलने नहीं दे रहे हैं आपको। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ से नहीं निकलने दे? हम डरे थे, ऐसा नहीं निकल रहे थे, हमें निकलने नहीं देते। क्यों नहीं निकलने देते हैं? आप गेल बंद कर रहे हैं, हमें रास्ता नहीं है निकलवे। पुलिस से लेकर नगर पंचायत चीचली के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद दलितों ने परेशान होकर न्याय के लिए गाडरवारा SDM राजेश शाह की चौखट पर दरवाजा खटखटाया है। इन लोगों को उम्मीद है कि यहां उन्हें न्याय मिल जाएगा। दलित परिवारों का कहना है कि वे कई वर्षों से उस रास्ते का उपयोग आवागमन के रूप में कर रहे हैं, पर अचानक रास्ते पर अवैध तरह से बाउंड्री वॉल बनाकर रास्ते को बंद किया जा रहा है और विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। SDM राजेश शाह का कहना है कि समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। नगर पंचायत को अवगत करा दिया गया है, जहाँ भी अतिक्रमण किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। ये चिचली का जो मामला संज्ञान में आया था, उसके बाद इसको देखा गया, वहाँ पर एक्चुअल में अतिक्रमण के मामले हैं और अभी CMO से चर्चा की गई, उसमें तत्काल उसमें टेंडर हो गया है और वहाँ से उनके लिए रोड बनाई जाएगी, जो अतिक्रमण हैं वो सारे हटाए जाएंगे। टिफिन सेंटर और कपड़े का कारोबार करने के नाम पर एक महिला ने कई सारी महिलाओं को ठग लिया। ठगी का शिकार महिलाओं को जब उनका पैसा वापस नहीं मिला तो महिलाएं SP के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। SP ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शांति नगर और 2 अन्य मोहल्लों की 30 महिलाओं को टिफिन सेंटर चलाने वाली एक महिला ने ठग लिया। आरोपी महिला रमनदीप ने सभी महिलाओं से कहा कि आपस में पैसा इकट्ठा करके टिफिन सेंटर में लगाऊंगी और कपड़े का व्यापार भी करेंगे, जो भी लाभ होगा उसे आपस में बांट लेंगे और रकम 15 दिन में वापस कर दी जाएगी। रमनदीप से सभी महिलाएं सहमत हुई और उसको रुपए दे दिए, लेकिन 15 दिन छोड़कर 6 महीने हो गए हैं। अब तक इन महिलाओं को ना ही लाभ का पैसा मिला है और ना ही उनकी मूल रकम वापस हुई है। हम लोग कुछ औरतें यहाँ पे जो है टिफिन सेंटर में काम करती थी और कुछ जो है अपनी मजदूरी करती थी, हम सब कोई समूह से पैसा उठाते थे। जो रमनदीप है वो बोली कि मैं टिफिन सेंटर में पैसा लगाऊंगी और कपड़ों का बिजनेस करूंगी, जिससे कि टिफिन सेंटर में जितने लोग काम कर रहे हैं महिलाएं उनको पैसा दूंगी। 5 महीने से जब हमको जानकारी नहीं था कि वो इतने लोगों से पैसा लिए, हम 1-2 लोगों के बारे में ही जानते थे। फिर वो हमारे पास आई और बोली कि मुझे प्रॉब्लम हुआ है, कुछ मेरे भाई लोग लेने आने वाले हैं। ठीक है सर, लेकिन ये हमको नहीं मालूम था वो कब आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं। अचानक से वो चली गई। जाने के बाद जब हम उसके ससुराल गए, ससुराल वाले बोले हमको कोई जानकारी नहीं है, हम नहीं देंगे पैसा।
जब इन महिलाओं ने अपने पैसे मांगे तो रमनदीप कौर ने सभी को रायपुर बुलाया और कहा कि मैं जमीन गाड़ी बेचकर पैसा दे दूंगी। 30 जून को सभी महिलाएं रायपुर गईं, रमनजीत कौर से मुलाकात की। उसी दौरान उनके बड़े भाई ने इन महिलाओं के साथ बदसलूकी, गाली गलौज, मारपीट की। इसके बाद महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी दीपक झा को ज्ञापन सौंपा। एसपी ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब इन महिलाओं को उम्मीद है कि शायद पुलिस के हस्तक्षेप से इनका रुपया मिल जाएगा। ये शांति नगर की कुछ महिलाएं आई थी और इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, एक शिकायत दिया गया, जिसमें उन्होंने रमनदीप कौर नामक किसी महिला के बारे में शिकायत किया है जो एक टिफिन सेंटर चलाती है और काफ़ी राशि, करीब 20 महिलाओं के दस्तखत हैं इसमें, अलग अलग अमाउंट की राशि इन्होंने दिया है रमनदीप कौर को और वो वापस नहीं करके यहाँ से पिछले 5-6 महीने से मिसिंग है, ऐसी करके शिकायत दिया है। वो शिकायत की हम जांच करवाएंगे और उसमें जो भी आगे कार्रवाई बनती है कार्रवाई करके इनको प्रयास करेंगे इनका पैसा वापस हो पाए। पेट्रोल पंप के पास जमीन पर दावे को लेकर दो पक्षों में झड़प होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। छतरपुर के बमीठा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे बमीठा में चक्का जाम किया। घटना उस समय हुई जब पेट्रोल पंप के पास स्थित जमीन पर दो पक्ष दावा कर रहे थे, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष से एक युवक घायल हो गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक मंगल सिंह की हालत गंभीर होने पर उससे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा अर्जुन सिंह का इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। रात्रि में बबीठा में दो पक्षों में वाद विवाद हुआ है और जिसमें दो पक्षों के साथ आपस में मारपीट होने से दो लोग काफ़ी सीरियस होकर घायल हुए हैं। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो रेफर हुआ था उनकी डेथ हो गई है और दूसरा व्यक्ति भी रेफर है जो कि बेहोशी हालत में भेजा गया है। विवाद विवाद की जो वजह बताई जा रही है, कोई ज़मीन को शायद खरीदारी को लेकर के था, ज़मीन खरीद तो उसी की वजह से आपस में झगड़ा हुआ। गोली लगने के बारे में बताया नहीं जा रहा मुझे कि गोली लगी है, ऐसा कह रहे थे कि गोली गया, लेकिन ऐसा कोई अभी तक डॉक्टरी ऐसा कोई साक्ष्य आया नहीं। कुएं से निकल रही जहरीली गैस ने पिता पुत्र दोनों की जान ले ली। यह हादसा सीहोर के मोगरा गांव में हुआ। पिता पुत्र कुएं में मोटर लगाने के लिए उतरे थे। रेहटी के ग्राम मोगरा में कुएं में मोटर उतारने उतरे पिता और पुत्र की मौत हो गई। 45 साल के राजेश पेशे से किसान हैं। राजेश अपने घर में बने कुएं में उतरे हुए थे। उनका बेटा राजा भी कुएं में मोटर लगाने में उनकी मदद के लिए उतरा, लेकिन कुएं में रिस रही किसी जहरीली गैस की चपेट में दोनों आ गए और उनकी कुएं में ही मौत हो गई। पिता पुत्र के शव निकालने के लिए एक युवक कुएं में उतरा तो गैस के प्रभाव से वो भी बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीहोर से रेस्क्यू टीम बुलाकर पहले बेहोश युवक को कुएं से निकाला और इलाज के लिए भेजा गया, फिर दोनों शव निकालकर पोस्टमार्टम को भेजे गए। देवास के सोनकक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बहुत खराब है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन मरीजों को उपचार के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार आने के बाद यहां 3 बीएमओ का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन यहां मरीजों को सुविधा मिले इसमें किसी की कोई रुचि नहीं है। इस इलाके से पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा नेता है। सोनकक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तबीयत खराब है। कहने को यहां 4 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में मिलता कोई नहीं। मरीज को उपचार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपलब्ध ना होने से रोगियों को दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है। यहाँ पुलिस केस एमएलसी के मरीजों को भी बाहर रेफर कर दिया जाता है। कमर से नीचे नीचे दर्द हो रहा है तो आखिर रात भर भी चिल्ला दिन भर भी चिल्ला नहीं है। आधा घंटा हुई कोई नहीं है। नहीं ये 108 से लेकर आए तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अभी गाड़ी खड़ी है 25-30 मिनट के, ये ढाबला जांगीर। हाँ कोई भी नहीं। अब इस मरीज का क्या करोगे? अब क्या करना आप बताइए, यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो देवास ले जाना पड़ेगा। सोनकक्ष के कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, लेकिन वह अपने इलाके की व्यवस्था को ही दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके इलाके का अस्पताल एक बाबू के भरोसे चलता है। 2 बजे से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी को मेरे यहाँ के DCM कमल शर्मा द्वारा समस्त उपस्थित होकर बता दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग ही रहेगा।
इलाके के लोग कहते हैं पहले यहाँ थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन अब इलाके के अस्पताल भगवान भरोसे हैं। डॉक्टर का जब मन करता है तब आते हैं और जब इच्छा होती है तो चले जाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, आजकल तो ऐसे बल्ले बल्ले हो रही है राजनीति में, खूब डंडे बल्ले खूब चल रहे हैं, अधिकारियों की पिटाई हो रही है। मैं तो अधिकारियों से बोल रहा हूँ, भैया हेलमेट वगैरह पहन के जाओ, मैं कोई भरोसा नहीं कोई बल्ला लेके आ जाए। हाँ, ये आकाश विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय की बेटी हैं, इंदौर से विधायक हैं, इन्होंने बल्ला लेके अधिकारी की पिटाई कर दी। वो बताया वो जेल भी चले गए उस चक्कर में, और जेल से छूट के आया तो उनका ये सब स्वागत हुआ जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़के आ रहे हैं, बता रहा हूँ। ये तो आजकल चल रहा है, ये निवेदन धनादन और निवेदन या क्या कौन से संस्कार आ गए हैं पार्टियों में, ये तो चल रहा है। मोदी जी ने भैया खुल के बोल दिया है, बोले ऐसे किसी का भी बेटा बेटा हो बेटी उनको भगाओ ऐसे लोगों को पार्टी में, भैया ये पार्टी की इज्जत खराब कर, ये तो चल रहा है। और वर्ल्ड कप में देखो, इंडिया जो इंग्लैंड का मैच हुआ था उसमें इंडिया हार गई, वो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी लोग संस्कार वाले हैं बता रहे हो, ऐसा दुख हुआ उनको भाई के हारने का, ऐसे वलल वलल करके आंसू बहा रहे थे, पुराने खिलाड़ी भी थे वलल वलल करके रो रहे थे। हाँ, वो अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में मेरे को समझ में आई कि पाकिस्तानी वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है। हाँ, असली बात बाद में समझ में आई मेरे को। और फिर ये एक बात बता रही हूँ, अभी जो इनका मैच होना है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया को भी पसीने आ दी, तो इनका तो बाहर निकलना चाहिए है। हाँ, तो ये खबर ये सुन लो, बैंकों में रिकवरी के लिए जो बाउंसर भेजते थे अब नहीं भेज सकते, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं बता रहा हूँ बाउंसर लोग के बेरोजगार हो जाएंगे, वो गला पकड़ेंगे उनका। मैनेजर का आगे बोले हमें सैलरी वसूलना भी आता है। हाँ, ये तो उठा उठा के भटकेंगे। ये तो है वो, ये खबर ही मजेदार खबर, ये देखो कामानी एक्सप्रेस में सांप निकल गया। अरे भैया सांप निकला, वो भी है ट्रेवल करके अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलने जा रहा हो आजकल ये बारिश का मौसम है। और एक उनको पकड़ने के लिए अखिल बाबा को बुलवाया, वो उनको पकड़ के ले गए, टीसी आया था, टिकट विकेट पूछ रहा था, उस टीसी पे फुफकार पड़ा, वो टीसी भाग गया छोड़ के। हाँ, और ये खबर ये देखो, ग्वालियर में 18 घंटे बिजली नहीं रही, और बताओ वो लोग है ना फिर वहाँ बिजली घर पहुँचे, उनका वहाँ मिल जाएगी, वहाँ ताला लगा हुआ था, ये तो सब चल गया है। वो आजकल तो भैया ऐसे छापे आपे पड़ रहे हैं, छापे में किसी का 1 किलो सोना ये 10 लाख नोट निकल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ इतनी मेहनत से कमाती है, भ्रष्टाचार करती है, उसको अच्छे गार्ड गुड़ के रखो, उसका कोड बोर्ड जैसे पुराने ज़माने में किलो विलों में रहते थे ना जैसे बना बनू के रखो, ये तो छापे वाले को भी पता नहीं लगे, और जो पैसा जरा ज़्यादा पड़ा हुआ है उसको गरीबों में बढ़वा दो, मैं कह रहा हूँ फिर आ जाओ फिर कमा लो, उसमें क्या है। और ये खबर ये देख लो, ये कैनेडा ये कार्टूनिस्ट है माइकल डी एडर, उन्होंने ये कार्टून बना दिया ट्रंप के ऊपर, वो मैक्सिको बॉर्डर पर जो फोटो छपाता ना पिता और बेटी का जो मर गए बेचारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए रिफ्यूजी वगैरह थे, तो इन्होंने ये वो बनाया और उसके बगल में वो दिखा दिया ट्रंप को, तो अपनी गोल्फ कार्ट लिए खड़े हुए और वहाँ गोल्फ खेलना चाहते हैं। ये कार्टूनिस्ट जो होता है वो संवेदनशील होता है, संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। अब उसकी नौकरी हो चली गई, बता नहीं हिंदुस्तान में तो नौकरी क्या होता है, हिंदुस्तान में तो जेल में भेज देते हैं सीधे, ये ऐसे असंवेदनशील राजनेता हुआ है, बता रहे हो कार्टून ये हंसने हंसाने की चीज़ होती है, कोई गंभीर बात हंसा के कहता है कार्टूनिस्ट, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, बता रहे हो ये तो चल रहा है। और ये खबर ये देख लो, अम्बाती रायडू जो है क्रिकेटर, इन्होंने सन्यास की घोषणा कर दी, इनका वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अरे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना कॉम्पिटिशन है, एक से एक क्रिकेटर है अपने, फिर से चांस मिलता है, सन्यास लेने की क्या जरूरत है, अभी तो आपका शुरुआत हुई है, और भी चांस मिलेंगे, ये से रोडना मनाना नहीं होने चाहिए। और भैया मुंबई में तो यदि बारिश हुई है भलर भलर करके पूरा मुंबई लबालब हो गया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हर आदमी आजकल घरों के सामने वो सीमेंटेड वगैरह करा देता है, पानी जाने की जगह ही नहीं रहती, पानी जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ बेचारा, और भरेगा वो तो। और मैं कह रहा हूँ अलर्ट हो जाओ अपने शहरों में, ऐसा मत करो वरना है ना आपके शहर में भी यदि भलल भलल हो जाएगा, और बोटों से जाना पड़ेगा ऑफिस। हाँ, मैं भैया मैं भी जा रहा हूँ अपने शहर में, देखो बारिश बारिश होने वाली है, नावा खरीद लूँ। नमस्कार। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।